अब तक आपने देखा भ्रष्टाचारी वाली बात तने किसी और को तो ना बताए? नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हो? घर वालों ने पता लग गया तो टेंशन ना हो जाएगी। इसी नौबती ना आएगी भाभी, मन्नेर लक्की जी ने प्लान बनाया से कि वो हरियाणा पर्यटन की ओर से एसी दुकानें बेचे, तो यो सुन के गाँव वाले सब भाग भाग के आएंगे दुकान खरीदने, और फिर वहाँ से हम उस रिश्वत खोर को पकड़ लेंगे। किसी भी कीमत पर दुकान चाहिए। तुम्हें हर कीमत पर दुकान चाहिए, समझ लो, मिल गया। तूने पहले कोई ऐसा काम किया सा? अरे वो जो सिरसा में मेला लगा था ना, मैंने ऐसी दुकान हासिल करी थी। ये सब बात करने के लिए एक जगह ठीक ना है? हाँ। उनके घर के जाने का रास्ता मैं तुझे बताऊंगा शाम को। अब आगे। हाँ बाबूजी, सब ठीक से। आप कब तक आओगे? शाम तक आ जाऊंगा। अच्छा, अरे को मारा एक काम करना है। मालती ने बड़ी देर बाद एक फरमाइश की है। मालती चाहती है कि वो तेरे हाथ का बना हुआ बैंगन का भरता और साथ में प्याज के पकौड़े खाए। फरमाइश तो पूरी कर दूंगी मैं। जय हो इनाबाद, बस पलक झपकते मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जी। हे भगवान, यो के हो रहा से? माँ बाबू जी वापस आ जाएंगे, पर लक्की जी का कोई अता पता ना से। मन्ने तो यो डर से कि आज हम बाबू जी को बेइज्जत होने से ना बचा पाएंगे। ये बोल रहे देवर जी? वो बोल रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे और मालती माँ जी का पसंदीदा बैगन का भरता और प्याज की पकौड़ी बनाने बोला है, और उनके लिए कड़ी। जे तो घड़ी खुशी की बात से है, थारी सासू माँ आ रही है। तू खुश ना से छोरी? लगता है छोरी खुश ना। ना ना, मैं तो खुश हूँ कि मालती माँ जी अपनी मन्नत पूरी करके वापस आ रही से। ताई जी, मैं रात के खाने की तैयारी करके आई। ठीक से चल मारी कमला भाभी, अब मैं भी चलती सू। ये लक्ष्मी, यही बैठ मारे दो रहे, कुछ बात करेंगे। हाँ चल। अच्छा पता क्या हो गया तेरे? क्या हो गया मतलब? क्या पोते उड़ रहे हैं तेरे? अब मतलब तू इतना सजा संवर थी, इतनी सोनी लगया कर रही थी, अरे तो तेरा मुंह भी सा हो रहा है जैसे ट्रक के तड़ा नींबू दे दिया हो। अब मेरा मतलब इतना फैशन करया कर रही थी, कित गया है वो तेरा फैशन? हाय मैं तो बड़ी दुखी हूँ। अरे किसके लिए करूँ फैशन? मारे को तो कोई देखने वाला भी ना से भाभी। और वो पायल के बाबूजी हैं, वो तो कभी घर में रहते ही नहीं। हाँ बड़ो। लक्की जी, बाबूजी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि वो रास्ते में से और शाम तक पहुंच जाएंगे घर। ये तो घड़ी मुसीबत से, इब क्या करें? आपको वो घूसखोर के बारे में कुछ पता चला लक्की जी? ना बड़ो, अभी कुछ खास पता ना चला, पर हाँ एक उम्मीदीकरण बाकी से। के? मन्ने बताओ ना। अरे के बताऊं, तन्ने पता ना वो जो जिसने मेले में पैसे खाए थे, उसने मुझे बोला कि स्कूल के पीछे मिलना, तो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कैसे दुकान खरीदनी से। मैं इसको आज शाम को मिलूंगा, तो वही मार मार के पूछूंगा कि क्या राज से और जिसने पैसे लिए वो कौन से। यो तो अच्छी खबर से लक्की जी, भगवान करे बाबूजी के आने से पहले ये हो जाए ताकि वो इस इल्जाम से बच जाए। तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ो, बस मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिक्र ना कर, मैं अब खाली हाथ वापस ना आऊंगा। मन्ने पूरा यकीन से कि आप कामयाब होगे लक्की जी, मन्ने बस खबर देते देना, ठीक से? हाँ बिल्कुल, मैं तुझे बताता रहूंगा, पर तब तक ना तू घर वालों का ख्याल रख, ठीक से? जी। आपको पता है भाभी, पहले ना मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के वो बाबा जी का प्राणायाम करती थी और लगे हाथ योगा भी कर लेती थी। हाय मारे चेहरे पे तो क्या चमक आती थी भाभी, अब तुम्हारी हालत खराब से। हाय किसके लिए करूँ फैशन? हम भाई लक्ष्मी, जब मुर्गी ना कोई दाना गिरने वाला ही ना है तो मुर्गी क्यों कर बांग देगी? ये मतलब मुर्गी दाना
ए छोटी सी बात ना, आप अपने नसीब की बात से ठीक से मैं चलती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बड़ी आई फैशन करने वाली है। दीजी जी, आप बिना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो, कोई देख लेगा तो। आपकी वो गलतियों के चक्कर में ना इतना फंस हो गए। कोई नहीं देख रहा, कौन देखेगा इस वक्त। और मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम होगी मुझे ढंग से जवाब ही नहीं दे रही हो। ज्यादा ना क्रेजी करने की जरूरत ना है तेजी को। कोई नहीं देख रहा, नहीं करनी बात मत करो, जल्दी से मुझको एक किस दे दो। तेजी जी, आपका ना दिमाग खराब हो गया। एक बात बताइए हमारे को, आपको शर्म लिहाज है कि ना? जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, और मैं क्यों शर्माऊं? तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देख के रह ही नहीं जाता। अब जल्दी से फटाफट से किस दे दो। तेजी जी, आपने यूं बातों में मत घुमाओ, मैंने जाने दो, कोई देख लेगा। सुन, हाँ ठीक है, मत दो किस, कम से कम एक फ्लाइंग किस तो दे दो। यूं मारे से ना फालतू की बातें मत करो, मैंने जाना है। कमला भाभी ने गलती से दे दिया होगा थारे को मारा नंबर। मारे को ना कराना कोई फेशियल ऐसे, मारे को क्या जरूरत थी फेशियल की? क्या कहीं यो मारे लिए तो ना था? फेशियल कराना था। लग गया मरने आने में देर हो गई, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ के गुल खिल रहे हैं? नमस्ते जी। वो जो आपसे गड़े लिए थे ना, घने बढ़िया थे। हमारा छोटा छोरा से खेलते खेलते तोड़ दिए। कोई बात नहीं जी, दूसरा ले लीजिए, मारे पास नए नए डिजाइन के घड़े से। अच्छा चलो मारे साथ। एक मिनट भाई साहब। जी आप? भाई साहब, दरअसल घनी मुसीबत में पड़ के आपसे मिलने आई हूं। ये आपको कौन सी मुसीबत आ गई? बात ये हुई भाई साहब कि मैं ना आपकी गलत फहमी दूर करने आई हूं। वो जो तरबूज दिए थे ना आपने मारे को, एक भी मारे हाथ ना लगा। ये मतलब? मतलब यो कि जो तरबूज आपने मारे को दिए थे ना, वो मारे हाथ एक भी ना लगा, सारे रघुवीर सिंह बाबू जी के पास चले गए। ये क्या बोल रहे हो आप? सही कह रही हूं, हम तो ठहरे गरीब लोग, जैसे तैसे गुजर बसर हो गए हैं। बच्चे को स्कूल कैसे भेजते हैं हमारा दिल ही जानता है, और हमारे पति तो रघुवीर सिंह जी के यहाँ नौकरी करते हैं। हमारी तो जरा भी हैसियत ना है कि मैं उनसे अपना हिस्सा मांग लूं। ना बहन ना, आप ऐसे ना रो, आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
भाई साहब घनी मुसीबत हो गई से। शाम में सारे गांव वाले रघुवीर सिंह जी के यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं उनसे यू पूछने के लिए कि आखिर यो भ्रष्टाचारी है कौन। अगर गलती से भी मारा नाम बाहर आ गया ना रघुवीर सिंह बाबूजी के साथ साथ यो सब घोटाले में तो मारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मारे परिवार का क्या होगा। देखो भैया गरीब ही गरीब का दुख समझ सके आप हमारा दुख न समझेंगे और कौन समझेगा। ना भन मत रो, आपने मारे को भाई बोला ना, अब ये भाई अपनी दुखियारी बहन को रोते हुए कैसा देख सकता है। किसी भी हाल में ये भाई आपका नाम ना आने देगा गांव वालों के सामने। असल भ्रष्टाचारी तो रघुवीर सिंह जी, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने दो शाम को, सारी दुनिया के सामने उनकी असलियत दिखा दूंगा। आप शांत हो जाओ और घर जाओ, चिंता ना करो, आपका भाई आपके साथ है। धन्यवाद भाई साहब। हे भगवान, इंसान के ना कर गुजरता अपने परिवार के सुख शांति के लिए, भलाई के लिए। हमारा मकसद यो बिल्कुल भी ना था कि रघुवीर सिंह बाबूजी को इस मामले में घसीट के उनका नाम बदनाम करूं। पर के करूं भोलेनाथ, हमारे परिवार के भविष्य का जो सवाल है। हमारे को माफ कर दो भोलेनाथ, इस बार हमारे को बचा लो, बस फिर कोई गलती ना करूंगी। इस बार हमारे को बचा लो भोलेनाथ, इस बार हमारे को बचा लो। देखो ना पिंकी जी, आप नहीं हो तो हमारे से कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। अभी ना दिमाग खराब हो गया, हर जगह पिंकी जी नजर आती। दाना जी, ये बात कर रहे हो आप? इब मैं आपका वहम ना सू, मैं सच्ची में आ गई हूँ। पिंकी जी, आप तो दो दिन बाद आने वाले थे ना जी। हाँ, पर मैंने सोचा कि मैं अचानक से आ जाऊँ और आपको सरप्राइज दे दूँ। आपको अच्छा ना लगा के? अरे अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या कर रहे हो आप राणा जी? उठारो ना राणा जी। आए पिंकी, ये भाई तो तू घर में आई है और आते ही तुम दोनों के घुटर घूट शुरू होगी। अरे पहले सब घर वाला से मिलती और फिर अपनी सास का आशीर्वाद लेती। माँ जी आप गलत समझ रहे हो, वो पंडित जी ने कहा था कि घर पहुंचती सीधा पति के चरणों में गिर जाना और उनका चेहरा देख के उनको प्रसाद दे देना तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रसाद। जीती रह बहू, यो तो तने घना ही बढ़िया करया, पंडित जी की बात भी मान लेनी चाहिए। इब तेरे पंडित जी की बात होगी, इब एक काम कर, फटाफट मेरे कमरे में आ जा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा, हाथ पांव तो बने हैं तने, चल। हाथ पैर? हाँ हाँ छोरे, इब यो तेरे ही पास रहेगी, मैं मजाक कर रही थी। इतना परेशान होने की जरूरत ना है, आई पास से मंद में बाहड़ा छोरा।
गई, माँ गई। हाँ, गई। एक कहाँ मर गया यो, तो सांप भी हो गई, ये आया ना। इंतजार की भी ना हद हो गई, ऐसा ना हो कहीं यहां मैं वेट करता रह जाऊं और वो आए ना, और बाबूजी माँ को घर लेकर पहुंच जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या करूं? अरे छोटे, कौन है तू और ये क्या? मन्ने के बता, बस चाचा जी ने वो थैली आपको देने को बोली है, वो ना आ सके ना आज, इसलिए। अरे ऐसे कैसे ना आ सके थारा चाचा? एक काम कर, तू मन्ने ना अपने चाचा के पास ले चल। नाना, मन्ने ना बताओ कहाँ रहते हैं, मारे सगे चाचा थोड़ी ना से। बस ये थैली आपको देने को बोली और कहा कि इस तरबूज से आपको मदद मिलेगी। मदद? अरे छोरे, अरे छोरे, अरे यो के है। अरे एक तो जरिया था वो घूसखोर को पकड़ने का, वो भी ना चला, और ये तरबूज अच्छा मजाक बना गया, दिल कर रहा कि उसके चाचा के सर पे फोड़ दूं। भोलेनाथ कैसे भी हो बचा लो मन्ने इस झमेले से। यो के, मारी गैर हाजरी में फिर से कोई नया कांड हुआ है के? अरे राम राम जी। राम 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 राम। भाई के बात है, सब लोग इकट्ठे होके अचानक यहाँ आके, कोई जरूरी बात है के? हाँ कैलाश जी, कुछ बात ही ऐसी है, क्या बताऊं आपको। लेकिन सबसे पहले हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि बिना बताए हम लोग सब मिल करके इकट्ठे होकर के यहाँ आ गए, लेकिन क्या करें जी, कुछ चारा ही नहीं था। बात दरअसल ये है कि इन सबको आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। हाँ बताओ क्या बात से? अभी नहीं जी, हम चाहते हैं कि रघुवीर जी भी आ जाए ना, उसके बाद बात बताए, क्योंकि इस मामले में रघुवीर जी का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, रघु के आने का वक्त हो गया है, आता ही होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए उनको, उसके बाद में बात शुरू करते हैं, क्यों भाई लो? हाँ, सही बात है। ठीक से भाई, ठीक। हे भगवान, लक्की जी कहाँ रह गए? माँ बाबू जी आते ही होंगे, हे भोलेनाथ अब क्या होगा? लो रघु आ गया। अरे वाह, के बात से मारे आने से पहले ही सबको खबर लग गई। अरे बाबूजी आ गए, लक्की जी कहाँ हो गए? भाभी नमस्ते, भाई साहब नमस्ते। क्या बात से भाई साहब, इतना बड़ा जमावड़ा हमारे घर में, क्या हो गया? वो क्या बात है रघु? आप रुकिए जी, मैं बता रहा हूँ। वो बात दरअसल ये है रघुवीर जी, ताकि ये सब लोग जो है ना आपसे कुछ बात करना चाहते, इसीलिए लोग यहाँ आए। हाँ पूछिए ना। बात दरअसल ये है कि ये लोग चाहते थे। सरपंच जी रुकिए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लक्की जी का इंतजार करें, वो आएंगे तो उनके साथ ही बात कर ले तो बेहतर होगा। लगता कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। बस बहुत ही इंतजार कर लिया हम लोग ने, इब और ना कर सके किसी का, जो भी बातें हैं साफ साफ हो जाए, क्यों गांव वाले? हाँ 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 सही बात है। अरे बात क्या है,
हम सब ने देखा आपने अपने छोरे को लाल रंग की विदेशी फटफटिया दिलवाया और पूरे गांव में चक्कर लगवाया। आपको शर्म नहीं आया हम गरीबों को लूटते हुए? हमने जो वापस पैसे दिए उससे आपने अपने छोरे को फटफटिया क्यों दिलवाया? हम गरीबों से घूस लेके हमारे ही पीठ पे छुरा चलाया आपने? इतना विश्वास करें हैं आप पे और आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया?